ये बेचारी अपने निशाने पर फोकस कर रही है और सीरियस होकर तीर चला रही है, लेकिन जरा बाहुबली को देखो आप, कैसे इसके सिर के ऊपर बैठकर चिल मार रहा है। मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके आसपास कोई भी है। क्या फोकस है यार। नहीं 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 सारुं के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राजमाता की गोद में ये बच्चा है जिसको एक एंगल से देखने पर इसके सिर पर टोपी दिखाई जाती है, लेकिन वही थोड़ी देर में ही टोपी उसके सर से गायब हो जाती है। भाई राजमाता के आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसकी टोपी ले जाएगा तो फिर कहाँ गई बाहुबली की टोपी। कुछ भी भाई, मूवी में बाहुबली क्या अंतर्यामी है। नहीं मतलब आप देख सकते हो इस सीन में ये कैसे इस मास्क से बात कर रहा है। कौन हो तुम, क्या कर रही हो मेरे पास? मतलब इनको कैसे पता लगा कि ये मास्क लड़की का है? इसके चेहरे पर ना बिंदी लगी हुई है और ना ही लिपस्टिक, ये किसी आदमी का भी तो हो सकता है ना। बात तो सही है। इस बड़ी सी मूर्ति को तो मूवी में बिल्कुल रियल दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसके पैर में एक लाल कपड़ा बंधा हुआ है जो कि पूरे शूट तक तो हमें पूरा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो कपड़ा गायब हो जाता है। को पैसा बर्बाद पहन चोद। भाई जिस हिसाब से बाहुबली इस मूवी में बिना सोचे समझे निशाना लगाते हैं ना, वो तो वाकई मेरे दिमाग की समझ से परे है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वाले सीन में कैसे वो खड़े होकर सो रहे हैं कि अगर वो कूदा तो सीधा इस डंडे को पकड़ लेंगे, पर भाई अगर उन्होंने वो डंडा ना पकड़ा तो इनका क्या होगा? इतनी ऊंचाई से कूद रहे हैं, कहां पर जाकर गिरेंगे दिखेगा भी नहीं किसी को। राजमाता इस छोटे से बच्चे को लेकर भाग रही है, वो गुफा से कितने आगे आ जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें दो सिपाहियों के चलने की आवाज आ जाती है। भाई इतनी जल्दी उनके पीछे कौन आ सकता है जो ये बार बार मुड़कर देख रही है, क्योंकि भाई जहाँ पर ये खड़ी हुई है ना वहाँ इतना बड़ा झरना है कि उसकी आवाज के अलावा वहाँ पर कोई और आवाज आना तो इम्पॉसिबल है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाहुबली अवंतिका के पास आने के लिए पानी में तैर कर आता है और पानी में रहकर ही इसके हाथ की पेंटिंग बनाता है, पर भाई ये काफी देर तक अपनी गर्दन पानी से बाहर ही नहीं निकालता, तो उसको यहाँ पर सांस कैसे आ रही है? और ये इस पेंटिंग को बिना रुके एक बार में ही बना देता है, लेकिन जिसके हाथ पर तो दो कलर से पेंटिंग बनी हुई है जबकि इसने तो पेन चेंज किया ही नहीं था। ये क्या है भाई, अगर बाहुबली इस मूवी में ये इतना बड़ा शिवलिंग ना उठाते तो क्या कोई उन्हें बाहुबली कहता? आप देख सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा शिवलिंग उन्होंने कंधे पर उठा लिया है और उसे लेकर ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे शिवलिंग फॉर्म का बना हो। वैसे बना तो फॉर्म का ही है। पकड़ लिया साड़ो, पकड़। भाई ये वाला सीन तो पर्सनली मेरा फेवरेट है, इसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आई थी। मतलब राजमाता पूरे दिन से इस पानी में, उसे इतनी सारी चोट भी लगी हुई है, वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ उठाकर बिल्कुल सही डायरेक्शन में दिखती है। तो भाई उसे कैसे पता कि उसका हाथ किस तरफ जा रहा है और वो डायरेक्शन सही भी है या नहीं? असंभव। लो भाई एक और सीन बिना सोचे समझे जंप करना। ये भागता हुआ आ रहा है और बिना नीचे देखे जंप कर दिया। भाई इतने नीचे कूदे हैं और भाई को तो जरा सी भी खरोच आई हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब ये लोग रस्सी खींच रहे हैं तो इनकी तो पूरी की पूरी कतार खड़ी हुई है, लेकिन जब भल्लाल देव को फ्रंट से दिखाया जाता है उनके पीछे तो कोई भी नहीं है। मतलब ये तो अकेला ही रस्सी खींचने लगे हुए हैं। बाहुबली में भयंकर लड़ाई तो आम बात है। आप देख सकते हैं कि लड़ाई की शुरुआत में बाहुबली अपने मियान को दूर फेंक देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसकी कमर पर फिर से प्रकट हो गई। भाई अभी तो ये बंदा खाली भागता हुआ दिखाया जा रहा था, मतलब इसके दोनों हाथों में कुछ भी नहीं था। वैसे आपको बाहुबली मूवी की कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।